गाइस बी टाउन हॉप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे सिकंदर मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सलमान खान की मूवी सिकंदर इन दिनों खूब सुर्खियों में है, फैंस को भाईजान की मूवी का इंतजार है। इसी बीच मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। इस मूवी में अभी एक और नई हॉट एक्ट्रेस की एंट्री हो चुकी है जिसका ताल्लुक वरुण धवन के घर से है। मूवी सिकंदर में स्टार कास्ट एक के बाद एक रिवील हो रही है। पहले साउथ की एक्ट्रेस काजल अग्रवाल का नाम आया, इसके बाद थ्री इडियट्स फेम शर्मन जोशी का नाम भी आया। इसी के अलावा इस मूवी में काजल अग्रवाल के साथ साउथ की एक और एक्ट्रेस रोमांस फरमाती हुई सलमान खान के साथ देखने को मिलेगी, जो है रश्मिका मंदाना, जो पहली बार सलमान खान के साथ काम कर रही है। इसी के साथ इसमें बाहुबली के कटप्पा यानी सत्यराज भी है, इसी के साथ प्रतीक बब्बर भी है। और हाल ही में मूवी सिकंदर में एक और नई फ्रेश एंट्री हो गई है। मूवी सिकंदर में वरुण धवन की भतीजी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजनी धवन की एंट्री हुई है, जो इन दिनों अपनी डेब्यू मूवी बिन्नी एंड फैमिली को लेकर चर्चा में है। ये मूवी 27 सितंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एक खुद खास कमाल नहीं कर पाई है। अब अंजनी को सवाल तब होता है कि सलमान खान की मूवी में वो क्या कमाल कर पाती है। जी हाँ दोस्तों, इनको सलमान खान की मूवी में एंट्री मिल गई है जिससे उनकी किस्मत चमक सकती है। सलमान खान की मूवी सिकंदर की अंजनी शामिल हो गई है जिसमें वो अहम भूमिका निभाएगी। बताया जा रहा है कि वो जल्द ही मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट कर देगी। अभी इनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं है कि इसमें उनका कौन सा कैरेक्टर रहेगा। और इसी के साथ इस मूवी को AR मुर्गुदास डायरेक्ट कर रहे हैं और सिकंदर मूवी अगले साल यानी 2025 को ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है और इस मूवी को प्रोड्यूस साजिद नड़ियादवाला कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी ये मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हॉप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।